नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल द मॉन्क कमेंट में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, अमेरिका के इदाहो स्टेट के बॉयज शहर में भी हाल ही में एनी फ्रैंक की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और उस पर साथ ही स्वास्तिक के स्टिकर चिपका दिए गए जिस पर लिखा था वी आर एवरीवेयर। तो आप सोच रहे होंगे कि एनी फ्रैंक कौन है, जो लोग नहीं जानते हैं, और उसका स्वास्तिक निशान जो हिंदू धर्म के स्वास्तिक निशान से आखिरकार उसका क्या कनेक्शन है, तो आइए जानते हैं आज इसी बारे में। तो एनी फ्रैंक के जो डच यहूदी लड़की थी जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो जर्मनी में यहूदियों का नरसंहार किया गया था 6 मिलियन से ज्यादा यहूदियों का, तो उसमें उसे और उसके परिवार के ज्यादातर लोगों को वहां पर कंसंट्रेशन कैंपों में रखा गया था और उसमें उसकी मौत हो गई थी। और बाद में उसके पिताजी को जो उसकी डायरी जो उसने अपना वृतांत लिखा था उन कैंपों का, तो वो उस डायरी को एक किताब के रूप में प्रकाशित किया गया था, जो एक किताब बहुत ही फेमस थी, ए डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। तो बहुत से देशों में जो यहूदियों के उस नरसंहार को याद करने के लिए कि कैसे यहूदियों का नरसंहार किया गया था नाजी जर्मनी में, तो एनी फ्रैंक के जो स्टैचू बनाए गए हैं तो उनमें ही बॉयस में जो स्टैचू था वो अभी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, लेकिन उस पर स्वास्तिक के निशान क्यों चिपकाए गए। दरअसल वो अगर कहें वो स्वास्तिक जैसे दिखने वाले निशान क्यों चिपकाए गए, तो इसका आइए तो उसके कुछ इतिहास के बारे में हम जानते हैं कि कैसे जो नाजी जर्मनी के जो सिंबल और जो हिंदू धर्म के जो स्वास्तिक निशान को एक तरह से मिस रिप्रेजेंट किया गया और एक दूसरे का पूरक बना दिया गया। तो यहाँ पर ईसाई धर्म के हम दो टेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, एक तो है ओल्ड टेस्टमेंट और एक है न्यू टेस्टमेंट। तो हम यहाँ पर इस घटना के संदर्भ में न्यू टेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसके 4 गॉस्पेल हैं। गॉस्पेल क्या होते हैं, वो उसे एक तरह से कहा जाता है कि वो भगवान की आवाज है। तो इसमें जो न्यू टेस्टमेंट में 4 गॉस्पेल्स हैं, मार्क, मैथ्यूज, ल्यूक एंड जॉन। तो यहाँ पर मार्क जो है वो सबसे पुराना गॉस्पेल है, और दरअसल जब ईसा मसीह को क्रूसीफाइड किया गया था रोमन जनरल के द्वारा, तो उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि यहूदियों ने जो ईसा मसीह के जो क्रूसीफाइड में कहीं कुछ रोल प्ले किया हो। लेकिन जो सबसे नया गॉस्पेल है जॉन, उसमें कहा गया कि जो यहूदियों ने ईसा मसीह को धोखा दिया और इस वजह से यहूदियों की वजह से जो ईसा मसीह को क्रूसीफाइड किया गया। तो इस तरह से जो चौथे गॉस्पेल में है एंटी यहूदी सेंटिमेंट जगाने का प्रयास किया गया, और ये अभी से नहीं, काफी पहले से हो रहा था। जो ईसाइयों में यहूदी के प्रति जो घृणा भाव बनने लगा था उसका मेन कारण यही था, और हम पुराने समय से और खासकर मध्यकालीन समय में तो यहूदियों का काफी बड़े पैमाने पर नरसंहार भी हुआ। अब बात करते हैं जो हिटलर का जो नाजी सिंबल जो था वो कहाँ से आया था। दरअसल जो हिटलर जब ऑस्ट्रिया का रहने वाला था, तो वहां के लॉलीवेला चर्च में एक निशान था, एक हुक क्रॉस जो था, तो वो उस निशान से बहुत प्रभावित था और उस चर्च के जो प्रीस्ट से और काफी जो बातों से वो प्रभावित होता था, और उस जो चर्च का जो प्रिस्ट था उसने ही जो एंटी यहूदी सेंटिमेंट हिटलर के अंदर जगाए थे, ऐसा जो हिटलर की जो अपनी खुद की बुक है मेन कॉम्फ उसमें उसने बताया था। दरअसल यहूदियों की छवि ईसाई धर्म में और खासकर प्रोटेस्टों में काफी बुरी थी, और इसी वजह से जो हिटलर भी था यहूदियों के प्रति बहुत ही नकारात्मक विचार रखता था, और जो यहूदियों का जब नरसंहार हुआ तो उसने जो एक नाजी सिंबल का प्रयोग किया जो नाजी जर्मनी में, वो हुक क्रॉस था, और हिटलर ने कभी ये नहीं कहा कि वो एक स्वास्तिक निशान था, कभी हिटलर ने इस चीज को मेंशन नहीं किया। हिटलर ने बताया कि ये हुक क्रॉस है, या इसे जर्मन कहते हैं हेकन क्रॉस। तो लेकिन यहाँ पर स्वास्तिक की बात कहाँ से आ गई, कि कैसे जो हिटलर के हेकन क्रॉस को स्वास्तिक से जोड़ दिया। देखिए, जब हिटलर ने माना ही नहीं कि उसने कभी कोई स्वास्तिक नाम का वर्ड का यूज किया है, तो जो हिटलर का हेकन क्रॉस जो है वो स्वास्तिक में कैसे बदल गया, तो इस बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इस बारे में क्लियरली काफी लोगों को पता भी होगा कि हिटलर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी थी मेन कॉम्फ जर्मन में लिखी थी, और जब उस हिटलर की आत्मकथा का अंग्रेजी अनुवाद किया गया तो वो अनुवाद किया था जेम्स मर्फी ने, और उस बुक को माई स्ट्रगल के टाइटल के साथ वो अनुवाद किया गया था। अब जो है उन्होंने इस चीज को सबसे पहले जो स्वास्तिक वर्ल्ड है हेकन क्रूज की जगह पर वहां पर यूज किया गया था। दरअसल क्या है, जो ईसाई जो संसार था उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का, वो यहूदियों के नरसंहार के अपराध बोध को झेल नहीं पा रहा था, क्योंकि दरअसल क्या था, हिटलर एक के जो एक तरह से कहा जाता था एक तरह से कट्टर ईसाई के तौर पर था, और जो ईसाइयों में प्राचीन काल से जो एंटी यहूदी सेंटीमेंट जगाए जा रहे थे वो उसका शिकार था। इस वजह से कि कहीं जो हमारे जो इस
कि ईसाइयों के द्वारा यहूदियों के नरसंहार के जो इतिहास की पोल ना खोले, इसीलिए उन्होंने हिंदू धर्म के स्वास्तिक धर्म से सीधे सीधे जोड़ दिया। और अगर आप कहेंगे कि आप तो फिर ये निशान कहाँ से आता है, तो देखिए मैं बता दूं कि आप वेटिकन सिटी के जो पॉप, जहाँ पर पॉप रहते हैं, वहाँ की दीवारों पर भी निशान मिल जाएगा, और जो बहुत से चर्च जो हैं उन पर यह निशान मतलब आसानी से मिल जाएगा। और इसे कभी भी स्वास्तिक से नहीं जोड़ा गया। दरअसल स्वास्तिक एक यूनिवर्सल निशान है और वो हर अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग तरीके से अलग अलग एंगल के हिसाब से वो देखा जाता है। ये बौद्ध धर्म हो चाहे ईसाई धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो, लेकिन जो हिंदू धर्म का जो निशान है वो ओरिजिनली उसे स्वास्तिक बोला जाता है। तो यहाँ पर ये जो था एक प्रोपेगेंडा चला, और ये जो अंग्रेज इतिहासकार जो लोग हैं उन्होंने ईसाई धर्म से सीधा इसे कन्वर्ट करके इस निशान को ईसाई धर्म से इसका लिंक खत्म करके एक ऐसे धर्म पर डाल दिया जिसका हिटलर से भी कोई लेना देना ऐसा नहीं था। तो ये यहाँ पर कहीं लोगों को बताया नहीं जाता है। और जब भी कहीं ऐसी घटना होती है तो हिंदुओं को अपने आप बार बार क्लेरिफाई करना पड़ता है कि दरअसल देखिए स्वास्तिक निशान नहीं है, ये अलग है, स्वास्तिक अलग होता है। और ये हिंदू लोग काफी लंबे समय से करते आ रहे हैं, खासकर जो अमेरिका यूरोप के रहने वाले हिंदू हैं और जो यहूदियों के नजदीक रहने वाले हिंदू हैं, इस चीज को उन्हें बार बार क्लेरिफाई करना पड़ता है। तो देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और आपको बता दूं इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो ये एक ट्रोइंडोलॉजी जिसके बारे में पहले भी दो वीडियो बना चुका हूं, उनका एक आर्टिकल छपा था स्वराज्य मैगजीन में, तो उसमें काफी अच्छे तरह से क्लेरिफाई किया गया था आपसे 2 साल पहले। उस आर्टिकल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और अभी अभी जो हाल ही में उन्होंने एक ट्विटर पर दोबारा से थ्रेड जारी किया था, उसमें दोबारा से क्लेरिफाई करा था कि कैसे जो एनी फ्रैंक के जो स्टैचू को जो वैंडलाइज किया गया है और उस पर जो स्वास्तिक स्टिकर चिपकाए गए, उसका हिंदू जो धर्म से कोई लेना देना है ही नहीं उस स्वास्तिक का। तो इस पर काफी जो हमारे लिबरल्स लोग बड़े प्रताड़ित हुए थे कि कैसे वो काफी वेस्टर्न मीडिया के लोगों ने समझाने में, जो वेस्टर्न जो ट्विटर हैंडल है उन्हें समझाने में काफी हद तक कामयाब हुए थे कि कैसे ये जो है एक जो स्वास्तिक से इसका कोई रिलेशन है नहीं है। तो देखिए इसका जो श्रेय जाता है इस वीडियो का, वो जो भारद्वाज स्पीच जो अगर ट्रोइंडोलॉजी है उन्हें जाता है, और जो उनका आर्टिकल जो स्वराज मैगजीन में छपा था उसको जाता है। तो उन सभी के जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जरूर चेक करिएगा और अपना भी थोड़ा ज्ञान बढ़ाइएगा। तो चलिए इसी के साथ अगली वीडियो मिलते हैं। नमस्कार।